हेलो क्लास टेंथ फिज़िक्स टर्म वन पार्ट थ्री ओके सो क्वेश्चन नंबर इलेवन बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन क्वेश्चन टिल क्वेश्चन नंबर टेन ओके तो ये एक प्लेन मिरर का डायग्राम है वेल आई नो कि क्लास टेंथ में आपने प्लेन मिरर के इतने क्वेश्चन uh, देखे नहीं होंगे बट देयर इज़ अ चांस कि ऐसे क्वेश्चन भी आ जाएँ सो इफ़ यू नो लॉज ऑफ़ रिफ्लेक्शन वेरी वेल तो आप इन्हें ईजीली हैंडल कर सकते हैं द करेक्ट रिफ्लेक्टेड रे पाथ ऑफ द रे इन द एडजस्टेंट डाइग्राम इज ये रे इंसीडेंट हुई फोर्टी फाइव डिग्री के एंगल पर तो रिफ्लेक्ट भी होगी फोर्टी फाइव डिग्री के ही एंगल पे ओके सो एनी वे एंगल ऑफ इंसीडेंट इसे माना जाएगा इसे नहीं है ना कि दोनों फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव चल जाएगा बट फिर भी जो जो थियोरटिकली हम लेते हैं एंगल वो ये एंगल होता है नॉर्मल के साथ तो ये फोर्टी फाइव डिग्री के एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा रिफ्लेक्ट होके इस सरफेस को हिट करेगा तो ये अगेन फोर्टी फाइव ये नाइन्टी तो ये अगेन फोर्टी फाइव ये अगेन फोर्टी फाइव तो ये भी फोर्टी फाइव और ये फोर्टी फाइव तो फोर्टी फाइव पर ये रिफ्लेक्ट बैक करेगा तो ये फोर्टी फाइव ये फोर्टी फाइव एंड नाउ यू कैन सी फिर इसे आगे बढ़ाते जाएंगे यहाँ पे तो एक स्क्वायर बन गया खैर <coughs> तो जिस एंगल पे ये इंसिडेंट हुई थी उसी एंगल पे ये रिफ्लेक्ट हो गई सो दिस वन इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व तीन डायग्राम दे रखे हैं और फिर पूछ रखा है देयर आर थ्री फिगर इन दिस क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ दैट चूज द आंसर फ्रॉम दूस द करेक्ट आंसर आप तो so ये तीन दे रखे, तीन दे रखे. पहले वाले में ऐसे भेजा एंड ऐसे चली गई बट ये मिरर है तो उसके आर पार तो रे जाएगी नहीं सो दिस इज रॉन्ग पैर लल गई और फिर सेंटर ऑफ करवेचर से रिफ्लेक्ट होती हुई अपीयर हो रही है विच इज रोंग क्योंकि वो focus से जाती है ओके थर्ड वन ऐसे आई और ऐसे गई ये रूल तो हमने पढ़ा नहीं है और क्या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कर्ड सर्फेसिज़ के लिए एप्लीकेबल है तो ऑफ़ कोर्स वो कर्ड सर्फेसिज के लिए एप्लीकेबल है जो नॉर्मल होता है हमेशा उसके साथ एंगल बनना चाहिए तो यस ऑफ़ कोर्स ये नॉर्मल के साथ एंगल बन रहा है थर्टी डिग्री थर्टी डिग्री तो ये करेक्ट है तो कई स्टूडेंट ये सोचते कि ऑल ऑफ़ देम आर इनकरेक्ट क्योंकि ये जनरली बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पढ़ा नहीं होता है लेकिन जैसे पोल पे आता है तो सिंपल जिस एंगल पे आया उस एंगल पे चला जाएगा ये तो हमेशा नॉर्मल पे होता ही है तो दिस इज द नॉर्मल क्योंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा नेक्स्ट वन करेक्ट रिफ्लेक्टेड रे फॉर द एडजस्टेंट फिगर इज गिवन बाय ओके तो ये yeah, सीधा सीधा आंसर है इसका अगर फोकस से पास होते हुए जा रही है रे तो इट विल बिकम पैरल टू द प्रिंसिपल एक्सिस सो हियर इट इज़ अगर आपने इनकी प्रैक्टिस करी है तो इजीली कर लोगे और नहीं करी है तो करना स्टार्ट करो ओके करेक्ट पाथ ऑफ रे थ्री शोन इन द फिगर विल बी हमें पता है ये इमेज फॉर्मेशन ये रे हमें पता है जो पैरेलल जाती है फोकस से जाती है जो फोकस से जाती है वो पैरेलल हो जाती है इनफैक्ट अगर कोई रे ऐसे भी देते है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो जा रही है तो इधर ही के लिए रिफ्लेक्ट हो जाती और इमेज फॉर्म कर देती बट दिस इज़ क्वाइट अन यूजवल ऐसा हमने कुछ पढ़ा भी नहीं है एटलीस्ट अगर यहाँ भेज देते तो ऐसा भी अभी तो पढ़ा था कम से कम पोल पे जाता तो रिफ़्लेक्ट हो जाता हम एंगल वेंगल नाप लेते बट वॉट अबाउट दिस इसके बारे में हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है सो दीज आर द आंसर ऑप्शन वेल द मेजर क्लू इज़ कि यहाँ पे इमेज फॉर्म हो रहा है और क्यों हो रहा है क्योंकि रेज इंटरसेक्ट हो रही है वहाँ पे तो इसका मतलब जितनी भी रेज़ होंगी थे क्योंकि हम डायग्राम बनाने के लिए कम से कम दो रेज लेते हैं लेकिन देर आर मैनी मैनी लार्ज नंबर ऑफ मिलियन ट्रिलियन ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस रेज होती हैं तो ये वाली भी आई तो क्योंकि इमेज फॉर्म हो रही है इसलिए ये इसी टिप से जाएगा तो कहने का मतलब अगर आपको यू आर श्योर अबाउट पोजीशन ऑफ इमेज तो so, अपने मन से और भी ढेर सारी रेस ड्रॉ कर सकते हैं मैं इसे यहाँ ले जा सकता हूँ इधर से जाएगा कहीं भी ले जा सकता हूँ यहाँ से होके जाएगा जहाँ पे ये दो रे पहली जा रही हैं तो इसलिए ये जो तीसरी रे होगी यहाँ से जाएगी ऐसा कौन सा डायग्राम है दिस वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड लास्ट इन हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल रिफ्लेक्टर इज डैश मिरर एंड बल्ब इज एट डैश तो जो हेड लाइट होती है एक मिसकॉन्सेप्शन है स्टूडेंट्स का बच्चे ये सोचते हैं कि हेडलाइट में जो रेज़ होती हैं वो जाती हैं और कहीं से भी जाती हैं और ऐसे करके फोकस हो जाती हैं दिस इज नॉट हेडलाइट लाइट हेडलाइट की लाइट आप कभी देखना कि तो वो स्ट्रेट जाती हैं दिस इज़ रिफ्लेक्टर दैन एक पैरल बीम बनती है पैरेलल कब होगा जब बल्ब फोकस पे होगा बल्ब फोकस पे होगा तो रे ऐसे जाएगी और फोकस से होके जा रहा है तो पैरेलल हो जाएगा तो इसलिए कॉनकेव होगा पहली चीज़ जब रिफ्लेक्टर होगा कॉनकेव होगा और सॉरी फोकस पे बल्ब होगा